एक बार संजू नाम का एक गांव वाला अपनी नई मोटरसाइकिल से घूमने जा रहा था। रास्ते में एक घना जंगल आता है। संजू मस्त होकर मोटरसाइकिल चला रहा होता है। गड्डी जांदी अच्छा लांगा मार दी, मुझे याद आए मेरे यार दी। बाबा क्या बाइक है, मजा आ गया मजा। तभी एक औरत उड़ते हुए आती है और उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है। संजू को कुछ अजीब सा लगता है और वो पीछे मुड़ने लगता है। तभी औरत बोलती है, पीछे क्या देख रहा है, मैं काली चुड़ैल हूँ, चुपचाप गाड़ी चला नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी। संजू को भूत प्रेतों की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो बाइक रोक देता है और हंसते हुए बोलता है, क्या कहा, काली चुड़ैल? मैडम मैं किसी चुड़ैल को नहीं मानता, और मजाक मत करो। चलो जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मुझे रास्ते में कब्रिस्तान आएगा, वहीं छोड़ देना। फिर संजू अपनी मोटरसाइकिल चलाने लगता है। कब्रिस्तान के सामने पहुँच कर संजू अपनी बाइक रोकता है और चुड़ैल से बोलता है, चलो मैडम जी आप अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर चलूँ। ऐसा कहकर संजू जाने लगता है। तभी उसको प्यास लगती है। वो चुड़ैल से बोलता है, मैडम मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा? संजू की बात सुनकर चुड़ैल अपना हाथ हिलाती है, उसके हाथ में पानी का गिलास आ जाता है। ये देखकर संजू बोलता है, वाह मैडम वाह, आप तो जादूगर भी हैं। तू मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, लगता है तुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। संजू चुड़ैल का ये रूप देखकर डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे आप तो सचमुच की चुड़ैल हो, मुझे माफ कर दो, मैं समझ रहा था कि कोई औरत है जो मुझसे मजाक कर रही है, मुझे जाने दो। चुड़ैल संजू की बात सुनकर हंसने लगती है और संजू से बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है लड़के, मुझे नए साल की पार्टी देखनी है, सुना है बहुत मजा आता है उसमें। हाँ मजा तो बहुत आता है, क्या चलोगी तुम मेरे साथ, कल नया साल ही है। चुड़ैल संजू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद ही जाना चाहती हूँ नए साल की पार्टी में। चुड़ैल जी लेकिन तुम्हें अपना रूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने असली रूप में आ गई तो लोग पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे और आने वाले कई साल तक पार्टी नहीं करेंगे। संजू की बात सुनकर चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की का रूप ले लेती है। संजू चुड़ैल के इस रूप को देखकर दंग रह जाता है। अरे वाह चुड़ैल जी आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी परी के जैसे, कल पार्टी में तो लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं अब चलता हूँ, मैं कल आपको पार्टी के लिए लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। फिर संजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन चुड़ैल को उसी जगह पर लेने जाता है। आज चुड़ैल कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, उसने काले रंग का बहुत ही सुंदर गाउन पहना हुआ होता है। संजू चुड़ैल से बोलता है, वाओ आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, कल से भी ज्यादा, आज तो पार्टी में सिर्फ आप ही नजर आओगे। फिर संजू चुड़ैल को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और पार्टी में चला जाता है। पूरी पार्टी में चुड़ैल ही सबसे ज्यादा सुंदर लग रही होती है, इसलिए सब उसे घूरे जा रहे होते हैं। चुड़ैल पार्टी में नाचने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ मोंटू नाम का गुंडा अपने दोस्तों के साथ आता है। मोंटू को देखकर संजू घबरा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये मोंटू और इसके दोस्त बहुत बदमाश हैं। इससे पहले संजू और चुड़ैल वहाँ से निकलते, मोंटू उन दोनों के पास आता है और बोलता है, क्या लड़की है यार, लेकिन ये इस जोकर संजू के साथ क्या कर रही है, इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन संजू कुछ नहीं बोलता, वो चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। इस पर मोंटू हंसता है और बोलता है, क्या डर गया क्या जोकर, अपनी बहन को ऐसे ले जा रहा है। मोंटू की बात सुनकर
चुड़ैल संजू से बोलती है, बहुत ही डरपोक हो तुम, ये मुझे ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है और तुम डर रहे हो, बहुत ही डरपोक हो तुम। चुड़ैल की बात सुनकर संजू को गुस्सा आ जाता है और वो मोंटू को बोलता है, बस बहुत हुआ मोंटू, अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये चूहा अब शेर बन गया और हमारी टांगे तोड़ेगा। दोस्तों जरा इसे समझाओ, हमसे टकराने का मतलब क्या होता है। ऐसा कहकर मोंटू और उसके दोस्त संजू की पिटाई करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में संजू उनकी पिटाई से बेहोश हो जाता है और मोंटू और उसके दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल बेहोश संजू को उठाती है और एक सुरक्षित स्थान पर ले आती है। संजू को होश आ जाता है। अरे मर गया रे, किसी ने सही कहा है, आदमी को अपनी औकात के हिसाब से काम करना चाहिए। मर गया रे, ना मैं हीरो बनता और ना मेरा ये हाल होता, मर गया चुड़ैल के चक्कर में। संजू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मुझे क्यों दोष दे रहे हो, लड़ तुम नहीं पाए और अपने पिटने का दोष मेरे सिर पर। ज्यादा हंसो मत, ना तुम मुझे भड़काती ना मैं उस दुष्ट से लड़ता, मेरी चटनी बना दी उस मोंटू के बच्चे ने। चुड़ैल और संजू बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मोंटू फिर से आ जाता है और बोलता है, आज का नया साल याद रहेगा दोस्तों, ये चूहा और ये लड़की फिर से मिल गए। अभी इस चूहे को और सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर मोंटू और उसके दोस्त संजू की तरफ बढ़ते हैं। संजू डर के मारे चुड़ैल के पीछे छुप जाता है। मोंटू चुड़ैल से बोलता है, मैडम तुम जरा सामने से हट जाओ, कहीं उस चूहे से पहले आपकी चटनी ना बन जाए। ऐसा कहकर मोंटू और उसके दोस्त संजू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और मोंटू के दोस्तों को उठाकर फेंक देती है। चुड़ैल को देखकर मोंटू घबरा जाता है। चुड़ैल मुझे जाने दो, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो। बहुत ही बहादुर है तू तो, मुझसे मुकाबला करना। अरे मैं बहादुर बहादुर कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने दोस्तों की वजह से दादागिरी दिखाता था, मुझे माफ कर दो। मोंटू को यूं रोते देख संजू बोलता है, बहुत परेशान करते थे मोंटू भाई तुम सबको, अब बोलो चुड़ैल जी, मैं तो कहता हूँ इनसे कम से कम 500 उठक बैठक लगवाइए। 500 उठक बैठक करने के बाद बोलता है, संजू और चुड़ैल जी मैंने 500 उठक बैठक कर ली, अब मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। फिर संजू के कहने पर चुड़ैल उसे वहां से जाने देती है। आज तो मजा ही आ गया, इस शैतान मोंटू को तुमने अच्छी सजा दी संजू। मजा आ गया, तुम लोगों की नए साल की पार्टी वाकई मजेदार होती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है और संजू भी अपने घर चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक संजू और वो चुड़ैल रोज शाम को कब्रिस्तान के बाहर मिलते। एक दिन संजू कब्रिस्तान के बाहर चुड़ैल का इंतजार कर रहा होता है। चुड़ैल लड़की के रूप में संजू से मिलने आती है। संजू चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी मुझे लगता है मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। संजू की ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, संजू तुम ये क्या कह रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम एक मनुष्य, नहीं नहीं ये बात गलत है। नहीं सच में चुड़ैल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं अपने घर वालों को छोड़कर आ गया हूँ, मैं अब इस कब्रिस्तान में आपके साथ रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता संजू, तुम एक भले लड़के हो, जाओ अपने माता पिता की सेवा करो, तुम घर जाओ, फिर मैं तुम्हारी दोस्त तो हूँ ही ना। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। फिर चुड़ैल के समझाने पर संजू वहाँ से चला जाता है।